लाख है शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज बिहार शिक्षक बहाली की बड़ी खबरों के साथ। अभी की बड़ी खबर हम आपको दे दें, अभ्यर्थियों को लगा है बड़ा झटका। बिहार शिक्षक बहाली 2019-21 बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। चीफ जस्टिस हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हां, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसे में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस अब अधर में लटकता नजर आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी की बड़ी खबर। चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल कोरोना पॉजिटिव हो गए और ऐसे में अब सुनवाई टल सकती है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस की। पटना हाईकोर्ट में आज बिहार टीटी 2017 केस की भी सुनवाई हुई और केस डिस्पोज हुआ है, फैसला रिजर्व रखा गया है। पर बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है, चीफ जस्टिस हुए कोरोना पॉजिटिव। हम दोनों बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा झारखंड में अब सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं शिक्षक बहाली को लेकर, यह भी बड़ी खबर है। इसके अलावा स्टेट 2019-21 अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर है कि आरटीआई का जवाब आया है। अभ्यर्थी ने पूछा है सवाल, नॉर्मलाइजेशन किस पद्धति पर हुआ, रिजल्ट कैसे प्रकाशित हुआ, इस पर आरटीआई का जवाब आया है। क्या है जवाब, जवाब चौंकाने वाला, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पर अभी की सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है, चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2021 को पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस होली के बाद पहुंचे थे, पर थोड़ी देर में ही उन्हें अपनी तबीयत खराब नजर आने लगी। ऐसे में उन्होंने छुट्टी ली और अभी अभी ये बड़ी खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चीफ जस्टिस पीएमसीएच में भर्ती हैं। पीएमसीएच के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है कि चीफ जस्टिस हुए कोरोना पॉजिटिव। ऐसे में छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस के कारण अधर में थी, अब फिर से विलंब हो सकता है। आपको ये जानना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो भी जनहित याचिका के केस पटना हाईकोर्ट में होता है उसकी सुनवाई खुद देखते हैं। अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस कब तक स्वस्थ होते हैं, कब तक बहाली प्रक्रिया के केस की सुनवाई आगे बढ़ती है। ऐसे में आज है 6 अप्रैल और बिहार टीटी 2017 गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे के केस की आज सुनवाई हुई, केस डिस्पोज हुआ है। आगे अब फैसला रिजर्व रखा गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केस डिस्पोज हुआ है। स्टेटस आप देख सकते हैं, CWJC 91-87-2020 और ये केस अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में था और अब ये केस डिस्पोज हुआ है। फैसला सुरक्षित रखा गया है, गलत प्रश्नों के बदले अंक मुद्दे का केस था। आपको ये जानना चाहिए कि अधिवक्ता के हवाले से ये खबर आ रही है कि BACB ने अपनी तरफ से काउंटर में कुछ भी विशेष नहीं दिया और आगे अब ये केस डिस्पोज हुआ है। देखना यह है कि आगे अनिल कुमार उपाध्याय इस पर क्या फैसला देते हैं। इसके अलावा आज पटना हाईकोर्ट में अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में ही एक बड़े केस की सुनवाई हुई। केस डाइट PTC अभ्यर्थियों का था, प्राथमिकता मुद्दे का केस था, पर केस डिसमिस हुआ है। जी हां, डाइट PTC का केस आज डिसमिस हो गया। स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, RTI का जवाब आया है। रिजल्ट 4 मार्च 2021 को जब जारी हुआ, इसके बाद अभ्यर्थियों ने RTI दाखिल किया कि नॉर्मलाइजेशन किस पद्धति पर हुआ, कितने प्रश्न गलत थे, कैसे रिजल्ट प्रकाशित हुआ। इस पर BACB का बड़ा जवाब आया है। RTI का आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, साफ तौर से लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा ये बड़ा RTI का जवाब लिखा गया है, जिसमें साफ किया गया है कि इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जवाब BACB द्वारा अभी नहीं दिया जाएगा जब तक कि पूर्णतः रिजल्ट प्रकाशित ना हो जाए। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी रुका है, जैसे साइंस के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका है, उनका रिजल्ट जब प्रकाशित हो जाए इसके बाद ही कुछ जवाब BACB दे पाएगा, जवाब देने से इनकार किया गया है। इस लेटर में आखिरी लाइन आप देख सकते हैं, उक्त परीक्षा का डाटा भी समिति में संधारित नहीं किया गया है। ऐसे में जब तक पूर्णतः रिजल्ट जारी नहीं हो जाए, ये पहले भी कहा जा रहा था कि बिना पूर्णतः रिजल्ट प्रकाशन के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी यही नियम है कि जब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो जाता पूर्णतः, तब तक संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती। आगे देखना ये है कि नॉर्मलाइजेशन के संबंध में और अन्य विषयों पर जो सवाल पूछे गए हैं, RTI का जवाब अगर यही आता रहा तो अभी समय लग सकता है। अभ्यर्थी ने मांग की थी कि पुनः परीक्षा के अंतर्गत विषय हिंदी पेपर 1 दिनांक 9/9/2021 द्वितीय पाली की उत्तर कुंजी एवं नॉर्मलाइजेशन के बाद वर्धित अंक की सूचना मांगी गई थी, पर BACB ने इसे देने से साफ तौर से इनकार किया है और डाटा न होने की बात भी कही है। आप समझ सकते हैं, मृत्युंजय कुमार द्वारा RTI दाखिल किया गया था, जवाब मांगा गया था, हिंदी के अभ्यर्थी हैं, पर BACB ने जवाब देने से इनकार किया है। तारीख आप देख सकते हैं, 1/4/2021 को
ये जवाब दिया गया है। अब देखना यह है कि इस जवाब के बाद अभ्यर्थी अगला कदम क्या उठाते हैं, पर जवाब आपके स्क्रीन पर आरटीआई का जवाब आ गया है। ऐसे ही रुझान अब आपको हर आरटीआई के जवाब में देखने को मिल सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे झारखंड में शिक्षक बहाली की। जी हाँ, झारखंड शिक्षक बहाली में सीटेट अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता था, पर अब ये नियम बदला गया है। बड़ी खुशखबरी सीटेट अभ्यर्थियों के लिए है कि सीटेट अभ्यर्थी अब झारखंड में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो पाएंगे। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली में मौका। झारखंड की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान रांची से छपने वाले हिंदुस्तान अखबार ने ये बड़ी खबर दी है। लिखा है झारखंड में होने वाले शिक्षकों की नई नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। यह लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो झारखंड के रहने वाले होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इसका प्रावधान करने जा रहा है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने की तैयारी है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड हमसे अलग राज्य होने के बाद अब डोमिसाइल के मुद्दे पर कितने नियम कानून के साथ चलता है, पर बिहार में ये पद्धति नहीं। यहाँ पर शिक्षक बहाली में 94,000 की शिक्षक बहाली आप देख सकते हैं, बिना डोमिसाइल के ही बहाली हो रही है। पूरे भारत के अभ्यर्थी आमंत्रित है, पर बिहार का पड़ोसी राज्य ही डोमिसाइल के मुद्दे पर कितने नियम कानून के साथ चलता है आप देख सकते हैं। सीटेट उत्तीर्ण अगर आप हैं और झारखंड के अभ्यर्थी हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे झारखंड में शिक्षक पद के लिए। आगे लिखा है राज्य के टेट पास अभ्यर्थी ही अब तक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए योग्य थे। सरकार झारखंड में रहने वाले वैसे लोग जो सीटेट पास हैं उन्हें भी टेट पास अभ्यर्थियों के साथ नियुक्ति प्रक्रिया में मौका देने का फैसला कर रही है। सरकार यह निर्णय स्कूलों में विज्ञान गणित अंग्रेजी के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नहीं मिलने की वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब झारखंड में ये हो सकता है तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ। बिहार के ही सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगर मौका मिलता तो बिहार का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहता। शिक्षा विभाग प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने की तैयारी कर रहा है। क्या बिहार की कैबिनेट इस मुद्दे पर बैठकर कोई उचित निर्णय नहीं ले सकती है? बिहार कैबिनेट क्या इतनी निकम्मी हो गई है? ऐसे में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में ही देख लीजिए, कैबिनेट द्वारा इस संबंध में बैठक करके कोई भी उचित निर्णय लिया जा सकता था और रुकी बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी, पर अभी तक सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी शिक्षा मंत्री को ये कहना चाहेंगे कि इस दिशा में अब जबकि चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो कोई उचित कदम उठाए सरकार शिक्षा विभाग। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।